अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू द वलीम पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कि हाउ टू मेक मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि यार ये पॉसिबल है। जी हाँ, इट्स पॉसिबल, आप कमा सकते हैं। किस तरह, मैं आपको दो तरीके शेयर करूँगा, ठीक है, इन तरीके से आप इंस्टाग्राम में पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, इंस्टाग्राम में आपने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है, ठीक है। प्रोफेशनल आउट लुकिंग आउट स्टैंडिंग अकाउंट आपने बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपने अफिलिएट मार्केटिंग का नाम सुना है, नहीं सुना ना, मैं आपको बताता हूँ। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, आपने कोई भी जो है ना कंपनी का प्रोडक्ट या फिर सर्विस प्रमोट करनी होती है, जब आप सेल करवाते हैं तो उसमें से आपको स्पेसिफिक अमाउंट में कमीशन मिलता है, उसे कहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब आपने अकाउंट बनाने के बाद हमने क्या करना है, amazon.com पे जाना है, ठीक है। वहाँ पर उनका अमेजोन जो है ना अफिलिएट प्रोग्राम है, उस पर ज्वाइन करना है। इसी तरह सिर्फ अमेजोन पर नहीं, और भी बहुत सारे वेबसाइट है, उनके अफिलिएट प्रोग्राम का आपने वहीं जाना है, नीच सेलेक्ट करनी है, ठीक है। नीच यानी कोई कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहेंगे, ठीक है। वहाँ से प्रोडक्ट आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पर शेयर करना है, ठीक है। उनकी पिक्चर के साथ लिंक आपने डाल देना है, ठीक है। वहाँ से एक छोटा सा रील बनाना है कि ये चीज़ खरीदने का अंदर जाओ, जब लोग वहाँ पे जब खरीदेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, इसमें जो है ना ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से आ गए, पहले दिन सेल हो गई, पहले दिन से पैसे मिलेंगे, काम करना पड़ेगा, ठीक है। काम नहीं करोगे तो कुछ कुछ नहीं होगा। देखो, या आपको दो चीज़ें करनी पड़ती है, या आपको टाइम लगाना पड़ता है, या पैसे लगाना पड़ते हैं, ठीक है। या पैसे लगा के फॉलोअर्स ले लो, ठीक है, अगर कोई अथेंटिक बन रहा है तो, ठीक है, जो ऑर्गेनिकली आपको फॉलोअर्स दे रहे हैं, ठीक है। या फिर टाइम लगाओ, टाइम लगा के फॉलोअर्स भी लो, प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ, अच्छे से पिक्चर पोस्ट करो, जब अच्छे से पोस्ट दोगे तब भी फॉलोअर्स आएंगे ना, ये सब हो ही आएंगे, फॉलो करो मैं भी फॉलो करूँगा, इसमें नहीं होता, ठीक है। आपने ये करना है, उसके बाद ये तरीका होगा पहला एफिलिएट मार्केटिंग। इसके आप जो है ना, इसमें आपको शर्त नहीं है कि आपके इतने सब्सक्राइबर इतने फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर आप मिसाल लो 100 फॉलोअर्स है, ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट मिसाल के तौर पर ईद आई है, ठीक है, ईद में आपने जो है ना कोई जूते आपने प्रमोट किया, ठीक है, अब वहाँ से 100 में से 2 लोग खरीदते हैं तो भी आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप छोटे सब्सक्राइबर से भी, छोटे जो है ना थोड़े फॉलोअर्स से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, उसे कहते हैं स्पॉन्सरशिप, ठीक है। इसके लिए ना आपके पास एटलीस्ट 5,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, ठीक है। अब स्पॉन्सरशिप होती क्या, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो टेक क्रिएटर है, यानी आप टेक क्रिएटर पोस्ट शेयर करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप जो टेक क्रिएटर कंपनीज होंगी या वेबसाइट्स होगी या एप्स होंगी, वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर वो आपको अप्रोच नहीं करे तो आपने अप्रोच करना है, वो कहेंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में बता दो, या कोई पोस्ट कर दो, या कोई स्टोरी लगा दो। जब आप उनके बारे में बात करेंगे तो वो आपको जो है ना स्पेसिफिक अमाउंट में पैसे देंगे, ठीक है, वो होता है स्पॉन्सरशिप। या आप उनको यानी प्रमोट कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, उससे आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो ये जो मेन तरीके से कमा सकते हैं, तो मैंने ऐसा वीडियो बनाने का मकसद है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर टाइम सर्व करते हैं, ये नहीं पता कि ये चीज़ें भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर आपके पास फॉलोअर्स है तो इन लोगों पर काम करें, थोड़े रिसर्च करें, तो बाय। मेरा काम था एक बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करना, जो मैंने शेयर कर दिया, ये बिजनेस डिजिटल बिजनेस आइडिया, ठीक है। मैं आई होप आपको पसंद आएगा। नो थैंक यू, किसी नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।